दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। क्या प्रतिबंधित आईएम चीफ तहसीन अख्तर के दरभंगा मॉड्यूल के सहारे बिहार और बंगाल में बड़ी साजिश रच रहे हैं आतंकी संगठन। मिथिलांचल में आतंकी कनेक्शन खंगाल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी भाइयों की NIA कोर्ट में पेशी। जांच दल ने मांगी 4 दिन की रिमांड। दरभंगा में पिछले दरवाजे से कई प्रखंडों में नियुक्त हुए सैकड़ों शिक्षक। जानिए कैसे हुआ पूरा खेल। पार्सल ब्लास्ट केस में NIA की कार्रवाई तेज। गिरफ्तार टेररिस्ट हुए बड़े खुलासे। पोर्टल पर पंजीयन कराने में नगर शिक्षकों को छूटने लगा पसीना। दरभंगा में जगह जगह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन। दी जाएगी कानून की जानकारी। बिहार में बारिश से बाढ़ की आफत। अधेर को थी दुल्हन की तलाश। जब नहीं हुई शादी तो जाने किसे बहू बनाकर ले आया घर। शाम को हो गई फरार। बिहार के 22 जिले में बारिश का अलर्ट जारी। ठंड का गिरने के भी आसार। जानिए अगले 3 दिनों के वेदर रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। क्या प्रतिबंधित आईएम चीफ तहसीन अख्तर के दरभंगा मॉड्यूल के सहारे बिहार और बंगाल में बड़ी साजिश रच रहे हैं आतंकी संगठन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए केमिकल से ब्लास्ट मामले की जांच करने पहुंची NIA की टीम आज वापस लौट गई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि दरभंगा से दिल्ली लौटने के क्रम में NIA की टीम ने बिहार ATS चीफ से मुलाकात कर हाल के दिनों में हुए सभी घटनाओं की जानकारी ली है। आपको बता दें कि ATS की टीम ने शुक्रवार को दरभंगा DIG अजिताभ कुमार, दरभंगा SSP बाबूराम, दरभंगा रेलवे स्टेशन GRP, RPF के थाना प्रभारियों से बातचीत करने के बाद विस्फोट के वक्त का CCTV फुटेज भी देखी थी। मिथिलांचल में आतंकी कनेक्शन खंगाल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां। जंक्शन ब्लास्ट में हैदराबाद से लश्कर ए तैयबा LAT के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी बाद उम्र मदनी चर्चा में है। 4 जून 2019 को दिल्ली के कुतुब मीनार के मुख्य द्वार पर लश्कर ए तैयबा के आतंकी मदनी की गिरफ्तारी हुई थी। वह मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र के बलकटवा गांव का है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार है। ऐसी स्थिति में मिथिलांचल के आतंकी कनेक्शन को फिर से खंगाला जा रहा है। फरवरी 2020 में उसके काशी में होने की सूचना थी। उमर मदनी उर्फ उमेर शम्स उर्फ मदनी उर्फ मौलाना उम्र उर्फ अब्दुल्ला उर्फ अकबर उर्फ साजिश के नाम से ठिकाना बदल रहा है। असली ठिकाना नेपाल के अस्पत्री जिले के माहौली बाजार में रहा है। पाकिस्तान से प्रशिक्षित होने के बाद उसके कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पूछताछ में पता चला कि उसने इंडियन मुजाहिदीन IM के स्थापक यासीन भटकल को वर्ष 2006 से 2007 में ठिकाना दिया था। मधुबनी के बासुपट्टी में रहने के बाद भटकल ने अपना ठिकाना दरभंगा के लहरियासराय सदर और मब्बी थाना क्षेत्र में बनाया था। मदनी के नेपाल ठिकाने पर भटकल का आना जाना था। दोनों की दोस्ती से साफ हो चुका है कि मिथिलांचल में लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन का गहरा रिश्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी भाइयों की NIA कोर्ट में पेशी। जांच दल ने मांगी 4 दिन की रिमांड। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार आरोपी भाइयों को NIA कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक NIA ने कोर्ट से दोनों की 4 दिन की रिमांड मांगी है। NIA इस अवधि में दोनों भाइयों की दरभंगा ब्लास्ट में भूमिका और शामिल से पकड़े गए सलीम के साथ उनके नेटवर्क के बारे में और भी ज्यादा गहनता से पड़ताल करेगी। दरभंगा में पिछले दरवाजे से कई प्रखंडों में नियुक्त हुए सैकड़ों शिक्षक। जानिए कैसे हुआ पूरा खेल। शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के कथित आदेश की आड़ में पिछले दरवाजे से शिक्षक नियोजन का खेल जिले के लिए कोई नया नहीं है। बहादुरपुर बेनीपुर अलीनगर बहेरी प्रखंडों में हुए शिक्षक नियोजन की गूंज दरभंगा ही नहीं पटना के निगरानी विभाग तक में सुनाई गई। बलक में मामले आज भी लंबित है लेकिन समय के साथ यह खेल मध्यम पड़ा। लेकिन कानून को धत्ता बताने वाले कुछ ढीठ प्रवृत्ति के पदाधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे ही हैं कि उन्हें जिलाधिकारी डॉक्टर SM त्यागराजन के सख्त कानूनी डंडे का भी भय नहीं है। उन्होंने इसी साल फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक सदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों सहित बहेड़ी और बहादुरपुर की विभिन्न पंचायतों में 200 से अधिक शिक्षकों को अपीलीय प्राधिकार के आदेश लिखी आड़ में सीधे बहाल कर करोड़ों का वारा न्यारा कर लिया। अन्य प्रखंडों का मामला तो अभी पीछे है लेकिन सदर प्रखंडों में भंडा फूट गया है। मामले की जद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी आ गए। पार्सल ब्लास्ट केस में NIA की कार्रवाई तेज। गिरफ्तार टेररिस्ट हुए बड़े खुलासे। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में पिछले 2 दिनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को कई बड़े खुलासे हुए हैं। बुधवार को जहां इससे जुड़े आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया वहीं गुरुवार को इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले शख्स को
पुलिस ने पकड़ लिया है। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। पोर्टल पर पंजीयन कराने में नगर शिक्षकों को छूटने लगा पसीना। नगर प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक गुरुवार को बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें पंचायती राज संस्थान एवं नगर निगम अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र जांच के लिए पोर्टल पर अपलोड कराने में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार किया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि मेगा सूची और मेगा क्रमांक की बाध्यता तो समाप्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्रेशन करते समय दरभंगा प्रखंड पर क्लिक करने पर केवल पंचायत का नाम आता है, नगर इकाई आ ही नहीं रही है। दूसरी समस्या पदाधिकार एवं कोर्ट से आदेश पर जिन शिक्षकों की बहाली 2014 एवं 2015 में हुई उनकी दक्षता अभी तक नहीं हुई। वैसे लोग दक्षता प्रमाण पत्र कहां से लाए? इसके अलावा भी कई समस्या है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मिलकर सारी समस्याओं का रेखा है, परंतु अब तक इसमें सुधार नहीं किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर पोर्टल पर सुधार नहीं किया जाता है तो शिक्षक को फोल्डर ऑफलाइन ही जमा करने का विकल्प दिया जाए। दरभंगा में जगह जगह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन, दी जाएगी कानून की जानकारी। लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत दी जाने वाली कानूनी सुविधा एवं विभिन्न प्रबंधनों एवं योजनाओं की जानकारी देने के लिए 4 जुलाई से विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। उपरोक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने कही। बताया कि कुमार झा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार में बारिश से बाढ़ की आफत। बिहार में बारिश ने तबाही मचा दी है। बेतिया हो, बगहा हो, मधुबनी हो या पटना, हर तरफ लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। अधेर को थी दुल्हन की तलाश, जब नहीं हुई शादी तो जाने किसे बहू बनाकर ले आया घर, शाम को हो गई फरार। बिहार में इन दिनों अजीब गरीब किस्से सामने आ रहे हैं। एक ताजा मामला फिर सामने आया है। यहाँ एक अधेर को काफी समय से दुल्हन की तलाश थी। उससे कोई भी लड़की या महिला शादी नहीं करना चाहती थी। शादी होने के चलते उस व्यक्ति को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। इसी बीच अधेर को एक किन्नर से प्यार हो गया। इसके बाद गांव वालों ने उसी किन्नर से उसकी शादी करवा दी गई। अचानक अधेर दुल्हन बनी किन्नर को लेकर गांव पहुंचा तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। शादी के बाद दूल्हे ने गांव वाले को दावत भी दी। दिन भर गांव में मछली और भात का भोज चल रहा था, लेकिन शाम होते ही किन्नर अधेर को छोड़कर घर से फरार हो गई। बिहार के 22 जिले में बारिश का अलर्ट जारी, ठंड का गिरने के भी आसार, जानिए अगले 3 दिनों के वेदर रिपोर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी भारी बारिश तो कभी धूप ने लोगों के साथ आंख मचौली का खेल जारी रखा है। बारिश के कारण सूबे के कई इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वही गुरुवार से एक बार फिर प्रदेश के कई इलाके में रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई है। नदियों के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 22 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को बिहार के कई इलाके में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश ने एक बार फिर लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर किया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 22 जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार से होकर एक ट्रफ रेखा गुजारने की बात कही है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।